मैंने शुभ दिन पे काम कराना आज तुमने। हाँ, मामा जी का खाना है, ठीक नहीं, उन्हें खिला देना सारा का सारा खाना कुछ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कि मैं जा रहा हूँ लखन भैया और भाभी के पास क्योंकि वो अपने घर में पूजा करा रहे हैं। और लखन भैया का फ़ोन मेरे को आया, मेरे को भी इनविटेशन आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह उनका फ़ोन आया, कल भी आ रहा था, तो मैं जा रहा हूँ भैया के पास क्योंकि उन्होंने एक पूजा रखी है जिसमें मैं भी जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, घर परिवार के सब आ रहे हैं, तो उसमें मैं भी जा रहा हूँ। चलिए मिलते हैं आपको वहीं। तो गाइस, बस मैं थोड़ी ही देर में लखन भैया के पास पहुँचने वाला हूँ। और देखना कितना वो हो रहा है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। जय श्री राम। आज देखो मंडे भी है और सारा मार्केट भी बंद है, कोई नहीं दिख रहा, सब लोग अपने अपने घर में हैं, एक भी गाड़ी नहीं दिख रही है क्योंकि आज राम जी अयोध्या में पधार रहे हैं, तो उसी की खुशी में सब लोग अपने अपने घर हैं, दीपावली बनाएंगे अच्छे से। तो मार्केट में बिल्कुल भी क्राउड नहीं दिख रहा है मुझे। तो गाइज, मैं घर पहुंचने वाला था, भाभी का फोन आया कि गोलू तू जल्दी से लड्डू पैक करा ले, तो मैं आया हूँ मार्केट में लड्डू पैक कराने। हर गली इतनी अच्छी सजी हुई है, जिस भी गली में जाओ सब में राम राम लगा हुआ है। देखो कितने प्यारे से सजे हुए हैं, देखो बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये दिन भी याद रहेगा। ये हमारे लड्डू पैक हो गए हैं, अब मैं इनको लेके जा रहा हूँ घर, ये वाले बॉक्स एंड में छोटे वाले। तो गाइस, लड्डू बहुत सारे थे, भाभी ने भेजी गाड़ी, गाड़ी में लड्डू रखकर मैं पहुंच गया सीधा भाभी और भैया के पास। और मैंने जाकर देखा तो वहां पर पूजा स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मैंने भाभी को दूर से ही नमस्ते किया और भाभी ने हाथ जोड़कर मेरा नमस्ते लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबको मैंने पैर छूकर अच्छे से नमस्ते करी और फिर पहुँच गया मैं टेरेस पर, जहाँ पर भाभी ने बहुत अच्छे से डेकोरेशन कराई हुई थी, सब लोग बहुत खुश थे। पीछे बुआ जी भी बैठी थी, फूफा जी भी थे, सबको मैंने पैर छूकर नमस्ते करी, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया। गाइस, अभी जा रहा हूँ मैं फूल लेने मार्केट क्योंकि भाभी को चाहिए पूजा के लिए फूल, तो वही लेने मैं जा रहा हूँ। और सारी तैयारियाँ हो गई हैं, बहुत अच्छे से पूजा हो रही है, सब लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, सब लोग एक साथ बैठ के पूजा कर रहे हैं, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। हेलो भाभी, कैसी हो? नमस्ते। ये हमारी शिवी भाभी और बतन भैया। मृदयाम्रदेश भाई भी आए हैं आज हमारे घर पे। क्या बात, राम जी। राम राम। बढ़िया बढ़िया, इतने शुभ दिन पे काम कराना आज तुमने, बढ़िया लग रहा है। देश सेलिब्रेट कर रहा है तुम्हारे घर के। आज देखो बढ़िया, नितिन भाई भी आए हैं। कैसे हो सारे के सारे? बढ़िया बढ़िया। ब्लॉग चल रहा है? हाँ ब्लॉग चल रहा है, मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सारे इतने ब्लॉग में हाय कर दो भाई। हाय। और तो बस तू बता क्या हाल है? शर्मा रहे हो? बढ़िया। तू नाराज हो? अरे ना यार पागल है, तेरे से क्यों होंगे नाराज हम? तू तो अपना और रूबी बहन उनसे भी मिला हूं। मैं किसी से नाराज नहीं हूं, मैं तो बहुत खुश हुई इतने दिनों बाद मिलकर कि फाइनली हम मिल गए, वाली भैया मिल गए। मतलब झूठी तारीफ भी सुन लिया करो कभी कभी, पता क्या है बताया अच्छी ना लग रही ना दिल्ली। नहीं नहीं इतने दोस्ती लग रही मैंने दिल से तारीफ करी ना, तो फेक नहीं बोलता मैं। बन हमारे परिवार वाले फैन है, परिवार है इनके, मृदुल भाई का परिवार है, नितिन भाई परिवार है तुम्हारा तो? बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी है। तो फिर गए सारांश जीजू के परिवार को हम नीचे छोड़ने गए, और फिर देखा मैंने जेपी ग्रीन्स में बहुत अच्छे से राम जी की झांकी निकाली जा रही थी, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। और दीदी ने मुझे बताया, एक ये वाली दीदी की बेटी और ये वाले दीदी का बेटा, राम जी और सीता जी बने हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों, देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
बाहर तो हर कहीं खुश हो रहा है। जय श्री राम। तो गाइस यहाँ पर सब कर रहे हैं बातें, और ये देखो यहाँ पर चल रहा है सबका खाना। बातें चल रही है सबकी। ये देखो हाँ, ये देखो कीर्ति दीदी ना, ठीक है मैं तो आ रहा हूँ अभी, बस मम्मी को ये देखे। इतना सारा यार, इतना सारा क्यों पैक कर दिया? ठीक है जल्दी आ, ठीक है। ये देखो गाइस भाभी ने और कीर्ति दीदी ने इतना सारा खाना पैक कर दिया ना, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं पहले ये घर दे के आता हूँ, उनको देखता हूँ वैसे तो वो कितना खाएंगी क्या खाएंगी पता नहीं। अब मैं जा रहा हूँ इसको घर देने, उसके बाद मैं आऊँगा भाभी के पास, अभी हमें बहुत सारी वीडियोस बनाने हैं। और गाइस मैं लेके आया हूँ दीपक जो भाभी ने मंगाए थे, क्योंकि शाम को यहाँ पर दिवाली बनेगी, तो उसके लिए लेके आए हैं हम दीपक। भाभी और सब लोग गए हैं मंदिर, मुझे भी जाना पड़ रहा है जल्दी से, क्योंकि वहीं पर वीडियो शूट कर रहे हैं सब। और सुधीर, तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और देखो इतना अच्छा सजा हुआ है जेपी ग्रीन्स में बहुत ज़्यादा। और देखो एक यहाँ से एंट्रेंस पे से देखना कितना प्यारा लग रहा है। ओ हमारी गाड़ी तो आ रही है, शायद हमारी है ये, झंडा लग रहा है ये देख, कितना मस्त लग रहा है। वाह यार वेरी नाइस। गाइस देखो आप हमारे जेपी ग्रीन्स में कितना प्यारा लग रहा है यार, बहुत सुंदर डेकोरेशन है। ये देख देख वहाँ पे भी देख, है ना छोटे, इधर ही लगा दो स्कूटर। वाह नाइस, बहुत सुंदर लग रहा है, वेरी नाइस। देखो जय श्री राम, वाह कितना अच्छा सजा हुआ है, नाइस नाइस नाइस। और तेरी भाभी के साथ लग गई भीड़, एक एक सेल्फी मैम, एक सेल्फी मैम, एक सेल्फी बोलू नहीं नहीं सर, सर आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। अरे सर एक बस ना, कैमरा भी साथ नहीं, मुझे मुझे सेल्फी लेनी है आपके साथ। नहीं नहीं आप ज्यादा बड़े हो सर, आप ज्यादा बड़े हो, बड़ा बड़े मैम, मैम के साथ लेनी है मुझे एक सेल्फी। सर आप वो ना बोलू 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 गोलमाल, प्रमोशन कर रहा तो ढंग से कर। मैम आपके साथ एक सेल्फी ले सकते, प्रमोशन के बाद नो। देखो सौरभ जोशी का घमंड निकल ये करिए नो। ओ भाई इनको क्या रिकॉर्ड किया है? हाँ चार्ज दो, किस चीज भाई शूट हुआ है उनका, चार्ज चाहिए पूरा भैया। इन्हें देख लो, इन्हें देखो चार्ज, वाह नाइस। ये देखो आज शिव शंकर जी कितने प्यारे लग रहे हैं मंदिर में। सर सर आपके साथ एक सेल्फी लेनी थी। अरे सर सर आप बहुत फेमस हो सर, हमारा बहुत सौभाग्य है कि आपका आपके ब्लॉग में हम आएंगे। नहीं नहीं सर हम आपको देखते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखते रहते हैं। मामा जी, मामा जी चाचा जी, चाचा जी मेरे मामा ना, चाचा जी को हो तुम्हारे साथ थोड़ा सा ब्लॉग जी वैसे, लेकिन चाचा जी कोई बात नहीं। क्या कह रहे हो बताओ जी, वैसे तो चाचा चाचा मामा दे ले, मैं बाबूजी वाले तो फूफा जी रहूंगा मैं अपने घर में ही, ठीक है मामा लगे आपके, मामा लगे ना। तो गाइस देखो आप यहाँ पर रात की तैयारियाँ चल रही हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि राम जी की जो
क्या बोलते हैं झाकिया बारात जो निकलती है उसको लाएंगे बहुत अच्छे से बैंड बाजे के साथ ढोल के साथ। और देखो उसी की बहुत अच्छे से तैयारियां चल रही है और ऐसा लग ही नहीं रहा हम अयोध्या में ना हो, वो वाला फील आ रहा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। ये नाइट में बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पर लाइट वाइट जलेंगी। और गाइस यहाँ पर भी देख सकते हो आप कितना अच्छा सजाया है, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। और गाइस ये देखो हमने दीपक लगा दिए हैं भाभी ने, सारे में बहुत अच्छा लग रहा है ये देखो। और गाइस बहुत रात हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ अब अपने घर क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो गाइस मैं घर आ गया हूँ और बहुत सारा खाना और क्या बोलते हैं मिठाई बहुत सारा पैक करा था सोनी दीदी ने मम्मी के लिए क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा, बहुत स्पेशल डे था मेरे लिए, मेरे लिए क्या ऑलमोस्ट सबके लिए आज का दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड मोमेंट वाला है क्योंकि तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिला मैं। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, और अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।